ऐसा क्यों किया आजाद? क्या कोई किनारे पे भी डूबता है क्या? हाँ। कौन? सितारा। सितारा डूबी है ना किनारे पे, तो उसे डूबने मत दो, उसका सहारा बनो। अब ये मुमकिन नहीं है फौजिया। क्यों मुमकिन नहीं है? मोहब्बत के लिए भिखारी बन जाए, बन सकते हैं तो चलो मेरे साथ, मैं मांगूंगी मरियम बीबी से आपकी सितारा। बस बस इन्हीं बातों की वजह से मैंने घर छोड़ दिया था और नंबर भी बंद कर दिया था। तो क्या हासिल हुआ फौजिया? तुम्हें समझाना मुश्किल है। फिर समझ जाओ मेरी सी ना समझी को, और प्लीज मेरी बात मान लो। कौन सी बात? आप चलो मेरे साथ। कहाँ? सब बातें छोड़ दे, आप चले मेरे साथ, चले। रुको। क्या हुआ? गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम बैठो। ओके। गुलाम अहमद, क्या बात है? अच्छा, हमारे साचाल डेरे में सरदार शहजाद ने तुम्हें बुलाया है। सरदार शहजाद को कोई काम है मेरे साथ? ज्यादा सवाल मत कर बुड्ढे, चल हमारे साथ। बदतमीजी मत करो, तुम्हें तमीज नहीं बुजुर्गों के साथ कैसे बात की जाती है? शुके, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसे उठा और डाल गाड़ी में। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अल्लाह खैर करे, तेरे खालू अभी तक घर नहीं आए। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये था बता कर गए होंगे। नहीं नहीं, आज तो उन्हें जल्दी वापस आना था। बात तो परेशानी की है। माँ, अब्बा कहाँ है? अभी तक तेरे अब्बा घर वापस नहीं आए। आ जाएंगे अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। खाला, खालू को बच्चे थोड़ी ना है जो कोई भी उठा कर ले जाएगा। अब तो ऐसे परेशान हो रही है। हाँ तो हालात भी तो ऐसे ही है ना। हाय अल्लाह खैर करे अल्लाह। कहीं अब्बा को क्यों परेशान बैठे हो? अभी सरदार साहब आ जाते हैं। मुझे जाने दे सरदार, रात हो गई है। हाँ बड़ा देर हो गया, वो रोटी मोटी तो खा गया। बड़ा देर हो गया तुमको, है ना? अच्छा अच्छा, बड़ा जुल्म हुआ तेरे साथ। और हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई, तुझे इंतजार करना पड़ा। अब जाने दो ना सरदार। यार सरदार, इसको बड़ा जल्दी है। ओए हाँ, इसकी बेटी को भी बड़ी जल्दी थी। और खून का असर तो होता है ना जरकान। मेरी बेटी का नाम मतलब? और तू यही कहता रहा ना कि तेरी बेटी को हमने मारा है। हाँ सरदार, मैं यही कहता रहा। ओए आज सच सुना कर भेजेंगे तुझे, और सच सुनने के बाद तेरी बेटी तो नहीं मरी पर तू जरूर मर जाएगा अगर तेरे में गलत हुई तो।
हाँ सरदार, वो याद आया यार, इससे ये तो पूछो कि इसका बेटी जिंदा है। सरदार सच क्या है वो बताओ। और तेरी बेटी मरी नहीं थी बल्कि वो शहर भाग गई थी। किसके साथ? आजाद के साथ। आजाद? ओए हाँ, मार खेल बन के रही उसकी। जब उसने छोड़ दिया तो तेरे पास आ गई हाजर बन के। जा घर जा, वो गैरत हुई ना तो घर जाने से पहले मर जाना या फिर अपनी बेटी को जाके मार जा। ओ चौके, ओ अच्छू, ले जा इसे और वहीं छोड़ के आओ जहां से इसे लेकर आए थे। चल भाई चाचा उठ चल। ठीक है सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप कौन? मेरा नाम फौजिया है, मुझे मरियम बीबी से मिलना है। मरियम बीबी तो यहाँ नहीं रहती। असल में सितारा ही मरियम बीबी हैं, सितारा से मिलना है मुझे। सितारा से जाके कहो आज़ाद उससे मिलना चाहता है। जी मैं अभी पूछ के आती हूँ। आजाद बाबू सितारा आपसे नहीं मिलना चाहती। उससे जाके कहें कि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे मुझे बहुत कुछ उसको वाज़े करना है, एक बार मुझसे मिलना है। एक बस बस आजाद बाबू, आपने मेरी इज्जत को जिंदा दफन कर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाचा गुलाम मोहम्मद मत कहो मुझे चाचा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब तो नफरत का भी रिश्ता नहीं बनता। तुमने हमारा एतबार तोड़ा है। फौजिया बीबी पॉप उठने वाली है और गांव में पॉप उठने का मतलब है सब लोग उठ जाते हैं। आगे ही हमारा बड़ा तमाशा बन चुका है, अब हमें और तमाशा मत बनाओ। फौजिया बीबी आजाद बाबू को लेकर यहां से चले जाओ।